हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटीज। सो आज हम यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नेचुरल गैस जो 24 नवंबर अक्टूबर से है वो करंटली यहाँ पर मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं, वीकली ओवरव्यू एनालिसिस क्या रहेगा, किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक के अंदर फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली कमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अगर हम देखते यहाँ पर तो 26 अक्टूबर से अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखते तो 15 मिनट की टाइम कैंडल हमने यूज़ किया फॉर अ टाइमिंग, हम इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं और फिबोनाची पाइवेट डेली 15 का जो हमारा इंडिकेशन है फॉर अ टाइमिंग हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट या फिर डिलीट कर लेते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हम किस तरह का जो है एनालिसिस नेक्स्ट वीक के अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है अगर आपको पता होगा तो कप एंड हैंडल पैटर्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल बेसिस के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डेट इज कप फॉर्म हुआ और यहाँ पर नियरली आपको हैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला है और हैंडल कभी भी फॉर्म होता है तो एक अच्छा सा यहाँ पर आपको जो है प्राइस लेवल देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा सा जो कंसोलिडेशन फेज जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्री फॉल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो ये जो इंडिकेशन था काफी प्योर इंडिकेशन था, यहाँ पर हमें प्योरली यहाँ पर जो है हमें शॉर्ट करना था और यहाँ पर अगर हम इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आपको इस तरह के जो एनालिसिस होते हैं वो काफी क्लियरली देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के वे के हिसाब से भी अगर आपने ये जो हमने जो कैंडल यहाँ पर हमने जिस तरह से पैटर्न फॉर्म किया है अगर ये अगर आप जो है एनालिसिस कर लेते तो आपको नियरली डेट इज 438 से भी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते तो नियरली आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स के जो टारगेट है वो यहाँ पर हमें इजीली यहाँ पर जो है कवर होते हुए देखने को मिले हैं। बट ये तो बात होगी कि जो एनालिसिस पहले से हो चुका है वो, बट नेक्स्ट वीक के अंदर हम यहाँ पर क्या एनालिसिस कर सकते हैं अब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इस तरह के पैटर्न जो होंगे वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कभी भी आप कोई भी वीकली ओवरव्यू एनालिसिस करते हो तो आपको जो है सबसे पहले टाइम फ्रेम को बढ़ा लेना चाहिए और उसके साथ साथ में आपको देखना चाहिए किस तरह का इंडिकेशन यहाँ पर हमें चार्ट दे रहे हैं। बट अगर हम नेक्स्ट वीक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे अच्छा और प्राइम लेवल रहेगा आपके लिए फॉर नेक्स्ट वीक तो वो है नियरली डेट इज एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यह हमें देखते हुए डेट इज 470 का जो रेजिस्टेंस लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लो 470 का जो प्राइस लेवल है अगर बुलिशनेस के साथ अगर नेचुरल गैस तोड़ता है तो बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर जो है हमें अपसाइड डायरेक्शन के अंदर हमें इजीली यहाँ पर कवर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे अच्छा जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हम इसे कह सकते हैं 435 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर अ टाइम बीइंग एज अ इंट्राडे ट्रेडर के अंदर ट्रेडिंग के अंदर भी ये जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से भी हमें अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। सो 435 एज रेजिस्टेंस लेवल 1 एंड 470 एज रेजिस्टेंस लेवल 2 फॉर अ टाइम बीइंग। और उसके साथ साथ में अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो सपोर्ट के अंदर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रैली यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिली वो एक अच्छी ऐसी अपवर्ड रैली जो थी यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिली है। बट उसके साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एज अ सपोर्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो होगा नियरली डेट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 403 या फिर 402 का जो प्राइस लेवल आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो संभाल सकते हो। अगर 402 का लेवल जो है मंडे को अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी मेरा ख्याल आप जो है डायरेक्टली डेट इज शॉर्ट के अंदर जो है यहाँ पर हमें डायरेक्टली शॉर्ट के अंदर पैसा मिल सकता है अगर हम यहाँ पर 402 के नीचे जो है एक अच्छा सा डाउनवर्ड प्रेशर के हिसाब से ओपनिंग हो और उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो। और हमारा जो वीकली यहाँ पर हमें जो है सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है वो है नियरली एट द प्राइस अराउंड 383 के नियर बाय पर। सो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं कि डेट इज 470 एज वेल एज 383 के प्राइस बैंड के अंदर जो है नेचुरल गैस ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर फर्दर 470 का प्राइस लेवल तोड़ता है तो बहुत ही अच्छा सा बुलिशनेस देखने को मिलेगा और 383 का प्राइस लेवल तोड़ता है डाउन साइड के अंदर तो बेरिशनेस यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज वीकली एनालिसिस जानने के लिए आपके लिए वीडियो जो है मददगार रही होगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।